हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट की एक अमेजिंग और ब्यूटीफुल सिटी के सिनेमैटिक और इन्फॉर्मेटिव टूर पर, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट नाम से मशहूर पुणे सिटी को। पुणे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया की एक ऐसी सिटी है जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी आईटी इंडस्ट्री के साथ ऑटोमोबाइल और एजुकेशन सेक्टर में मैसिव ग्रोथ अचीव की है। यहाँ कई बड़ी आईटी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस सेटअप किए हैं। वहीं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी ये शहर काफी आगे है, जिसके कारण इस शहर को महाराष्ट्र का ऑटोमोबाइल हब भी कहा जाता है। पुणे में कई स्टार्टअप्स भी हैं जो इनोवेशन और ग्रोथ के लिए शहर को एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अपनी वाइब्रेंट इकोनॉमी की वजह से आज पुणे करीब 70 बिलियन डॉलर के साथ जीडीपी के मामले में इंडिया के टॉप 10 शहरों में आता है। मुंबई के बाद ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख यानी 4 मिलियन के करीब है। और पहाड़ों से घिरा 516 स्क्वायर किलोमीटर में फैला पुणे एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसका मौसम बहुत अच्छा रहता है, जो इसे यहां रहने के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट में शामिल करता है। पुणे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत ही फेमस है। यहाँ देश के कुछ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुणे में दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पुणे की ग्रोथ का मेन फैक्टर है यहाँ की लोकेशन और टाइम के साथ इम्प्रूव होता यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से आज शहर में अच्छे रोड्स, फ्लाईओवर के अलावा मेट्रो नेटवर्क के साथ एयरपोर्ट भी है, जो इस शहर को देश और दुनिया के अलग अलग शहरों से कनेक्ट करता है। टाइम के साथ इस शहर में काफी चेंजेस आए हैं। पुराने समय में इस शहर को पूना के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत 8th सेंचुरी में हुई थी, जब ये एक छोटा सा शहर था। और 17th सेंचुरी में ये मराठा एम्पायर का पावर सेंटर बना। वैसे आज पुणे एक वाइब्रेंट शहर है, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को साथ लेकर चल रहा है। यहाँ इस शहर में शनिवार वाड़ा, आगा खां पैलेस और सिन्हागढ़ फोर्ट जैसे हिस्टोरिक प्लेस हैं, जो इसके महत्वपूर्ण इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं। अंत में बात करें तो पुणे अपने रिच कल्चरल हेरिटेज से लेकर मॉडर्न एमिनिटीज तक एक ऐसा शहर है जहाँ हर किसी के लिए यहाँ रहना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने शहर का नाम कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।